देश भर में इन दिनों त्योहारों पर कोरोना का असर साफ देखा जा रहा है। राज्य के मूर्तिकार आर्थिक मंदी और कोरोना के कहर से बेहद परेशान हैं। गणेश उत्सव नजदीक है और इस बार की स्थिति बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि राज्य के मूर्तिकारों का काम बिल्कुल ठप पड़ा है। कोरोना की मार है और सब कुछ बंद है। देखिए ये रिपोर्ट। हर साल बप्पा गणेश उत्सव में लोगों के घरों में खुशियां और रंग लेकर आते हैं, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ के मूर्तिकार कोरोना की मार से पस्त हैं। कोरोना की नई गाइडलाइन के चलते मूर्तिकार बड़ी मूर्ति नहीं बना पा रहे हैं। बाजार में डिमांड कम होने से इन मूर्तिकारों के मन में चिंता है। उनका कहना है कि लाभ तो छोड़िए, जो पूंजी लगाई है वही निकल जाए तो काफी होगा। ये मूर्तिकार सरकार से मदद की उम्मीद लगाए हुए हैं। गौरीपुत्र गणेश, गणपति बप्पा मौर्या कुछ ही दिनों में हमारे बीच आने वाले हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के कारण बहुत सारी परेशानियां इन मूर्तिकारों को, शिल्पकारों को देखनी पड़ रही हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं माना बस्ती में और यहां पर आप देख पा रहे होंगे बहुत सारी तैयारियां की जा रही हैं गणपति बप्पा के आगमन को लेकर। आप देख पा रहे होंगे कितनी सुंदर प्रतिमाएँ यहाँ पर बनाने की तैयारियाँ की जा रही हैं। अलग अलग तरह से, अलग अलग रंग रूप में आपके बीच ये मूर्तियां लाने की कोशिश हो रही है शिल्पकारों द्वारा, कलाकारों द्वारा, लेकिन कोरोना काल के चलते इस बार इन शिल्पकारों को, इन कलाकारों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं ऐसी ही कलाकार, इनसे जानेंगे कि कोरोना काल के चलते इस बार इन मूर्तियों को बेचने में या इन मूर्तियों को, इन प्रतिमाओं को लोगों तक पहुँचाने में इन्हें क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बताइए क्या कुछ परेशानियाँ हो रही है कोरोना काल के चलते। मूर्ति तो बिकता ही नहीं, बिल्कुल कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, पूजा नहीं कर रहा है। सरकार जो गाइडलाइन दिया इसके लिए मेरा पूजा बंद है पूरा छत्तीसगढ़ का। ये तो जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो दिया है उसके वजह से हमारा तो पूरा एकदम साल भर का पूरा मेहनत पूरा मिट्टी में चला गया। हमारा लगभग इतना टाइम तक हमारा पूरा ऑर्डर हो जाता है, बुक हो जाता है माना में जितना भी है कारखाना माना कैम्प में। तो ये जो सरकार का जो आदेश में ये जो हमारा इतना जो नुकसान है, पूरा साल भर का मेहनत है, ऐसे ऐसा लग रहा है जो ये जो कोरोना काल में हम लोग का ऊपर ही बस आया, अदर्स और किसी के में नहीं आया, ऐसे टाइप का है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँ, ये जो सरकार ने जो गाइडलाइन जो दिया ये तो सरासर एकदम गलत है, क्योंकि सरासर गलत क्या है, ये चीज़ है जो 5,000 फीट जो जमीन जो है ये चीज़ तो जो रायपुर में तो है ही नहीं, कहीं पर जहाँ जहाँ जो मूर्ति बैठाते हैं तो कहीं पर नहीं है। और एक चीज़ जो CCTV कैमरा कौन लगाएगा बताओ, ये जो सरकारी जो अपना जो ये जो कोरोना जो जिम्मेदारी सरकारी जो निभा नहीं पाए तो हम लोग कहाँ से करें, ये जो कमेटी वाला कहाँ से करें। आर्थिक मंदी के चलते मूर्तिकारों के माथे पर शिकन है। गणपति उत्सव के बदले नियमों ने मूर्तिकारों की चिंता बढ़ा दी है। गणेश उत्सव को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से मूर्ति की ऊंचाई से लेकर पंडाल तक की साइज का निर्धारण किया गया है। गाइडलाइन का अनुपालन न किए बिना गणेश प्रतिमा स्थापित नहीं की जा सकेगी। इसमें 26 पॉइंट है। उत्सव के दौरान 4 फीट से ऊंची मूर्ति, 15 फीट से बड़ा पंडाल बनाने पर रोक है। वहीं पंडाल में एक बार में 20 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। शर्तों का उल्लंघन करने पर आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में कोरोना को लेकर परेशानी है, लेकिन हमारी समिति ने इस बार जय भोले ग्रुप समिति ने निर्णय लिया है कि प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी गणेश उत्सव का आयोजन किया जाएगा, लेकिन इसमें एकदम शांतिपूर्ण माहौल में जैसा कि अभी परिस्थिति चल रही है उसी तरह का आयोजन किया जाएगा। कोरोना संक्रमण का असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर जो मूर्ति रखी जाएगी उसकी ऊंचाई 4 फीट होगी, जबकि घरों में इसे 2 फीट तक रखा जा सकता है। इसके साथ ही पूजा पंडालों में भव्य सजावट से भी बचना है। इस बार कोरोना काल के चलते बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर लोग मूर्ति खरीदने नहीं आ रहे, गणपति बप्पा को अपने घर ले जाने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन गणेश के साथ TCP 24 न्यूज के लिए रियाज बलिया।